हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ बुलबुल। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बस मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे छत पे, क्योंकि यहाँ बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे पापा जी के लिए चाय बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पापा जी रिटायर पटवारी हैं, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी काम आता रहता है, इसलिए मैं अभी जाऊंगी नीचे कपड़े उठाने के बाद पापा जी को चाय नाश्ता देने के लिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। बेड को ठीक करने के बाद मैं जाऊंगी सीधा किचन में। तो मैंने सोचा था कि आज भजिए रेडी करूंगी मैं सबके लिए, तो भजिए बनाने की तैयारी में लग गई हूं। तो सबसे पहले मैंने बेसन को छान लिया है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूं मैं भजिए। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल बेसन ले लिया है, और उस बेसन में हम डालेंगे अजवाइन, जो पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं इसे। और इसके बाद मैं डालूंगी नमक, स्वादानुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने डाले हैं इसमें 2 चम्मच नमक। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ अभी लाल मिर्च, मोटी दरदरी पिसी हुई मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ही लाल मिर्च डालूँगी, आप 1/2 टीस्पून के बराबर समझ सकते हैं इस लाल मिर्च को। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ अब 7 से 8 मैं हरी मिर्च लूँगी, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप करके डाल रही हूँ, जिससे बच्चों के मुँह में ना आए और बच्चे आराम से खा सकें। और अभी मैंने ले लिए हैं इसमें 4 से 5 छोटे छोटे से प्याज, जिसको मैं ऐसे चॉप करके डाल रही हूँ। और अभी इस टाइम पे मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए। अब इसमें डालूँगी मैं तेल, और जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं इसमें भजिए चलने की तैयारी करूँगी। और इस टाइम पे मैं जिस टाइम पे मेरा तेल गर्म हो रहा है उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अभी बस आलू को धोकर, मैंने इसमें मीडियम साइज़ के आलू लिए, आलू को धोकर मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक बारीक चॉप करके आलू। तो बस आलू मेरे कट गए हैं, तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखना है अपन को, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को अपन को थिक रखना है, और थिक रखने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ बस भजिए को डालने ऑयल में। और जैसे ये भजिए मेरे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसे निकाल लूँगी कढ़ाही से। तो अभी बस मैंने कढ़ाई में 10 से 12 भजिए सिकने के लिए डाल दिए हैं। हाँ, तो ये इस टाइम पे भजिए हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना भजिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो सबसे पहले मैंने सर्व कर दिया है पापा जी के लिए, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था और ये देने जाएंगे बस पापा जी के को भजिए। और उसी टाइम पे मैं जिस टाइम पे किचन में थी उस टाइम पे मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उस टाइम पे मैंने फ़ोन उठा नहीं पाया था। जैसे ही मैं अपने रूम में आई तो फिर मैंने मम्मी को रिटर्न कॉल किया है, तो उस टाइम पे मैं मम्मी से बात कर रही थी।
जी, तो बस अभी मैंने तैयार कर दिया है इनाया को, और मैंने भी नहा लिया है, और बस मैं रेडी होकर बैठी हूँ। तो अभी बस मैं जाऊँगी किचन में बाजी की हेल्प करने, क्योंकि आज कर रहे हैं मासूम बच्चे, और हम लोगों ने बोला था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो हम लोग करेंगे मासूम बच्चे, तो आज आ रहे हैं बच्चे। तो बस अभी हम लोग खाने की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं बाजी की हेल्प करूँगी। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाँ जी, तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और सारा काम हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, और बस मैं बिल्कुल अभी अभी अपने रूम में आई हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ बताइएगा, और मेरे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ब्लॉगिंग है, मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो प्लीज़ बताइएगा मैंने कहाँ पे गलती की है, मेरी गलतियों को भी पकड़ना आप लोग, ठीक है, और मुझे बताना कि मैंने कैसा ब्लॉगिंग किया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।